तू उस टाइप का मुझे ये सब पसंद नहीं है। नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं समझा कि आरती का रूम है इसीलिए मैं अंदर आ गया। ये आरती का ही रूम है। ये आरती का रूम है? तो आरती कहाँ गई? वो मेरे रूम में गई है। वो तेरे रूम में क्यों गई? उधर अभय भाई है ना, इसलिए। क्या अभय तेरे रूम में है? अभय तो दूसरे रूम में था। चल दिखा। चुप। ये क्या है शास्त्री? बैंकॉक में चल रहा है एक छोटा सा मौसम। मतलब? रोमांस। रोमांस? हाँ। ये तो मुझे करना चाहिए था, वो क्यों कर रहा है? इसलिए तो तेरे बदले वो कर रहा है। अरे बात सुन, तेरे बदले वो पूजा कर रहा है, वो प्यार का पुजारी है। पुजारी? ये किस टाइप की पूजा है यार? आराम से देखना, आरती को वो अपने बस में कर रहा है, आवाज मत करना। बस में कर रहा है मतलब? आंखों में आंखें डालकर दूसरी दुनिया में जाना, दो शरीर में रहकर एक हो जाना, मतलब कनेक्टिंग टू लवर्स। किसी को बस में करने का यही सही तरीका है, सही है ना राजा? ए शास्त्री, ये लोग क्या कर रहे हैं? होटो से होटो का संदेशा भेज रहे हैं। अब है आरती को क्लब में, पब में, बीच में, डिस्कोथेक में घूम घूम कर डुएट गाने के लिए तैयार करने वाला वशीकरण मंत्र पढ़ रहा है। फिलहाल इनको छोड़ देते हैं, चलो हम चलते हैं। इसी गम में दो दो पैग लगाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे राजा, आ जाओ। सोचना क्या, जो भी का देखा जाएगा कल के लिए आज को। ए शास्त्री, ए चल भाग यहाँ से, पता नहीं बैंकॉक में कहाँ कहाँ से भिखारी लोग आ जाते हैं। ए शास्त्री। अच्छा तुम हो? हाँ मैं हूँ। आरती किधर है? आरती अभी तक तो यहीं पर थी, जस्ट गई है। ये क्या तमाशा बना रखा है? मैं यहाँ पे आरती के प्यार के खातिर आया हूँ और वो किसी और से? ये फालतू बात तुझे किसने बताई? प्यार तो तू ही कर रहा है मेरे राजा, वो तो बस प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ, प्रैक्टिकल तो तू ही करेगा। कहाँ गए वो लोग? वो उधर। कम ऑन डार्लिंग। यू नॉटी। जगह देखो, कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ बहुत खूबसूरत है। ए, कौन है रे तू? जैकी चैन। जैकी चैन? अरे डब्बे, मेरी आइटम को बैंकॉक लेकर आता है। ए, मैं तुझे और तेरे भाई को, और वो तेरा दोस्त है ना अभय, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भाइयों तक क्यों जा रहा है, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। हिम्मत है तो मुझसे लड़ ले, आ जा। भाग जा, मैं तुझे रोज नए नए गेटअप में आके परेशान करूंगा। आरती चाहिए तुझे? आरती?
आरती तो सिर्फ मेरी है, और ये बात तू उस अभय को भी जाकर बता देना। पांडू, क्या हुआ पांडू? वो आ चुका है भाई। कौन आ चुका है? जैकी चैन। नहीं, आरती का लवर। आरती का लवर तो यहीं पर है ना। कहाँ है? मेरा मतलब तू है ना यार। मैं हूँ। ओहो पांडू, कितना खून निकल रहा है तुझे, किसने मारा इतना? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं, मुझे मार डालेगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू उसके बारे में बहुत सोच रहा था? शायद इसीलिए वो तुझे हर जगह दिखता है। वो यहाँ आके तुझे क्यों मारेगा? वो तो हैम्स्टर्डम से यहाँ फ्लाइट से आया होगा। आहा, तेरे बोलने का मतलब ये है कि वो गारंटी के साथ आरती को उठाकर ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, आरती सिर्फ मेरी है। अगर तुझे आरती चाहिए तो उसे यहीं पर फिनिश करना होगा। मारना ही पड़ेगा उसे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो रोज नए नए गेटअप में आता है ना। ये बात तुझे कैसे मालूम? अरे जब तू होश में नहीं था तभी तो ये बात बोल रहा था। क्या मैंने ही बोला था? इसके बाद आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं और शास्त्री हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन वो अलग अलग गेटअप में आएगा तो उसका क्या करेंगे? हम लोग कोड वर्ड में बात करेंगे। गुड आइडिया। ओपन सिम सिम, ये सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना। इस कोड वर्ड को अच्छे से याद रख लेना। हाँ बिल्कुल सही है, ये कोड वर्ड हम तीनों को ही पता होना चाहिए। आरती को क्यों नहीं? पांडो, तू बहुत ही रोमांटिक है यार। मैं अभी आरती के रूम पे जाके आऊँ क्या? जाओ। वो तो चला गया, अब तुम यहाँ पड़े रहो, पढ़ो। मुझे लगता है तुम्हारे ये जख्म ठीक होने में 2 days नहीं 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। बैंकॉक आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात तुझे बेंगलोर में ही सोचनी थी ना, अब चुपचाप पड़ा रहे। इसको अपने बाजू में रख। ये भी साला अच्छा बेवकूफ बना के गया। आरती, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजेदार लगा। अब है हाँ? तुम मेरे साथ ऐसे ही जिंदगी भर रहोगे ना? आरती, ये सब बातें तुम क्यों कर रही हो? मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे लिए सपने की तरह था। लाइफ इज ब्यूटीफुल, और हमें जिंदगी को एक सपने की तरह ही जीना चाहिए। अब है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उससे मुझे खुशी तो मिल रही है, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आरती, when Abhay is here, why want to worry? ओह, टाइम हो चुका है। किस चीज का? अभी पार्टी को मारने का टाइम हो चुका है। अब जो मार उसे मारूंगा ना, उसे वो सपने में भी नहीं भूल सकता। मैं अभी आता हूँ। कौन है? ओपन सिम सिम। हमारा कोट वर्ड तुझे कैसे पता चला? इससे मालूम पड़ा, यह है माइक्रोफोन। तुम जो भी बात करोगे मुझे मालूम पड़ता रहेगा।
साला, इस तरह से कोडवर्ड रखकर तू क्या मुझसे बच जाएगा सोचा? ये तेरा डब्बा आइडिया मेरे को नहीं, अभय को जाके समझा, उसको भी मैं खत्म कर दूंगा। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसका तो रेप करने चला जाएगा। क्या रे, तू क्या सोचता तेरे कावले तुझसे डरने चाहिए क्या? तो आजा। सुन, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, मेन पिक्चर जो है ना वो तेरे भाइयों के साथ दिखाऊंगा। कौन आ गया? भागो। अभी आता हूँ। अरे 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 अबे तू यहाँ फालतू कुत्ते की तरह क्यों पड़ा है? उठ उठ उठ। क्या हुआ तुझे? अरे सुन तो बात सुन। अरे क्या हुआ तुझे? आरती का लवर इधर आया था, मुझे मारा उसने। आरती का लवर? तो फिर तुमने दरवाजा क्यों खोला? उसने हमारा कोड वर्ड बताया तो हमने दरवाजा खोला। क्या उसे कोड वर्ड पता चल गया? क्या उसे कोड भी मालूम पड़ गया? हम लोग इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। क्या पांडू, अभी अभी तो आरती तेरे नजदीक आ रही है यार। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो मुझे मार डालेगा, मार डालेगा, मुझे मुझे मार डालेगा। पांडू एक काम करते हैं, मैं रूम के अंदर सो जाता हूँ, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तेरे से क्या होगा, साक्षात भगवान आ गए तब भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। पांडू एक बार सोच के देख। नहीं शास्त्री, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे मरना नहीं है। एक बार सोच के देख। नहीं शास्त्री प्लीज, मुझे जाना तो मुझे रुकना बिल्कुल नहीं है, मुझे मरना। मेरी बात तो सुनना। नहीं भाई, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। शास्त्री मेरे साथ चलो या मुझे भेज दो। शास्त्री अभय, मैं किसी को भी मार सकता हूँ लेकिन उसे नहीं मार सकता। अभय प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं रह सकता।